नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हुए हैं। जानकारी है बुध ग्रह से संबंधित। बुध ग्रह एक ऐसे ग्रह है, यदि किसी के लिए फलीभूत हो गए, अगर उपाय के द्वारा या कुछ परिस्थितियां कुंडली में ऐसी बनी हुई हैं कि वह फलीभूत हैं, तो व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती है। माला माल कर देते हैं हर जगह से व्यक्ति को, कभी संपत्ति की कमी नहीं रहेगी, भूमि जमीन जायदाद की कमी नहीं रहेगी। सुख जो हम सोचते हैं कि भाई हम फलानी जगह पे जाएं या फलानी चीज हमारे पास हो, तो वो चीजों को प्राप्त करवाने वाले और कभी भी जीवन में धन की कमी न होने देने वाले, ऐसे ग्रह बुध ग्रह माने जाते हैं। तो इन्हें हमेशा अपने अनुकूल बनाए रखना चाहिए। यदि बुध ग्रह जन्म कुंडली में हमारे अनुकूल नहीं होंगे, खराब स्थिति में होंगे, तो यह काफी पीड़ा देते हैं। पीड़ा व्यक्ति के जीवन में धन की कमी बनी रहेगी, पारिवारिक जनों में हमेशा मतभेद रहेगा, परिवार का सुख कभी नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन के सुख से भी व्यक्ति को यह वंचित करते हैं। साथ ही साथ सामाजिक प्रतिष्ठा आदि में भी व्यक्ति की एक गिरावट ले आते हैं। एकदम से व्यक्ति में कोई ना कोई दाग, जैसे बुध ग्रह को नपुंसक ग्रह कहा गया है, तो इस तरीके से माना जाता है कि व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई ऐसा दाग लगा देते हैं। तो इसलिए बुध ग्रह को हमेशा अपने अनुकूल बनाए रखना चाहिए। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में ढेर सारे उपाय बताए गए हुए हैं। कई उपाय तो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं और लोगों ने उन्हें आजमाया हुआ है, और यानी कि मिलियन लोगों ने तक देखा हुआ है और उसका लाभ चमत्कारिक तौर पर प्राप्त भी किया हुआ है। तो आज भी हम आप लोगों के लिए ऐसा ही एक राम बाण उपाय लेकर आए हुए हैं। यदि बुध ग्रह जन्म कुंडली में खराब स्थिति में है और खराब फल दे रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि यह धनेश और लाभेश बन जाते हैं और व्यक्ति को बिल्कुल ही निर्धन बना देते हैं, और खराब स्थिति में आ गए धनेश और लाभेश बनकर, यानी कहीं त्रिक भाव में बैठ गए, खराब स्थिति में आ गए, निचस्त हो गए या कोई अन्य स्थिति आ गई। और यदि अच्छी स्थिति में आ गए जन्म कुंडली में, ऐसा देखा जाता है, तो यह व्यक्ति को वो निर्धन क्यों ना होगा, उसको माला माल बना देते हैं और माला माल को निर्धन कर देते हैं। ऐसी कला भी बुध ग्रह के अंदर है। तो बुध ग्रह को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि, क्योंकि इनका बहुत बड़ा महत्व है, दाम्पत्य जीवन के लिए भी महत्व माना जाता है और वैसे भी आपने जीवन के लिए भी, क्या क्योंकि भाई देखो, धन हर की व्यक्ति की जरूरत है, सुख हर व्यक्ति को ही चाहता है। तो ऐसे जब यह ग्रह हमारे अनुकूल रहेंगे तो ये चीजें हमें मिलती रहेंगी। तो हम बात कर रहे थे उपाय की, तो उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिस उपाय को यदि आप करते हैं तो बुध ग्रह को आप अपने अनुकूल बना लेते हैं, इनकी पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर इनसे शुभ फल आप प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि प्रातः काल स्नान के जल में एक इलायची के, एक हरी इलायची के दो टुकड़े, यानी कि इलायची के दो टुकड़े करके, यानी कि उसको आप तोड़ सकते हैं, अपने जल में मिलाकर प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। प्रतिदिन लगभग 108 दिन तक व्यक्ति यदि नियमित तौर पर स्नान करता है तो बुध ग्रह जनित जो दोष होते हैं या जो पीड़ा मिल रही है उसका शमन हो जाता है और बुध ग्रह से शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि इलायची के दो टुकड़े करने से, कि बुध ग्रह नपुंसक ग्रह है और नपुंसक ग्रह होने से उनकी जो फल देने की जो क्षमता है वह बिल्कुल क्षीण है, वह फल नहीं दे पाते हैं। वह जिसके साथ जाते हैं उसका ही जैसा फल देते हैं, कारण कि उनके अपने में क्षमता नहीं है। तो यदि उनको विभाजित कर दिया जाए, यदि उनसे फल प्राप्त करना है, जो ज्योतिषी लोग बताते हैं, जो मत है हमारे पूर्व से ज्योतिष शास्त्र में, तो अगर यदि उनको विभाजित कर दिया जाए स्त्री या पुरुष में, तो वह फलदायी बन जाते हैं। तो इसलिए एक इलायची को प्रतिदिन दो हिस्सों में तोड़कर जल में मिलाकर स्नान करने से भी बुध ग्रह का शुभ फल अकस्मात तौर पर, चमत्कारिक तौर पर हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है और इनके दोषों का समन भी इकाई की हमें देखने में आता है, एकदम से हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत जबरदस्त उपाय है, हमने कई लोगों को बताया और इसका चमत्कारिक प्रतिफल भी देखने में आया, जैसे नीम के पत्ते वाला था इसी तरीके से इसको। तो ये उपाय भी हम आज आप लोगों के लिए लेके आए, क्योंकि हमने सीरियल चला रखा है कि सूर्य ग्रह, बुध, चंद्र, मंगल, बुध, इस तरीके से पूरे 9 ग्रहों के सबसे जबरदस्त ठोस उपाय जो कि एकदम से रामबाण औषधि की तरह कार्य करते हैं, हम प्रसारित कर रहे हैं। तो आज बुध ग्रह जनित यह उपाय आप लोगों के लिए प्रसारित हमने किया। यदि आप लोगों को पसंद आया तो जरूर से आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं।
और नए लोगों से तो हमेशा आग्रह रहता है कि यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो हमारे साथ जुड़िए। गायत्री ज्योतिष केंद्र के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, समय समय पर आप लोगों को उपलब्ध होती रहेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।